आजा भी काके जरा मालिश करा के यार। भैया आपका फोन है। हेलो गोप्स हियर। कौन था ये? रख दे उधर। क्या आप तीनों महापुरुषों में से किसी को याद है कि हमारे जो सर हैं इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, उनने के बात कही थी गला फाड़ के? Well, I thought so. आदमी तीन, याद किसी को भी ना है। अबे यहाँ टाइम पास पांडे ने एकदम ओपन चैलेंज दिया था कि मिस चौटाला अगर तो हम आपके संग नाच लिए तो जैसा आप कहेंगी वैसा हम करेंगे। अब बताओ एक आदमी ने इतना इजी वाला कैच दिया है और हम उसे लपक नहीं रहे। वेल मॉम, हमने ऑलरेडी बिछा दिया है जालिस दा, चलती है चालीस दा। अरे हाँ मैडम, सर के सामने वो गेंदा गजरीली की तारीफ कर करके हमने सर को ललचा दिया है और उनकी आंखों में लालच टपक 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 करके टपकवा दिया है। हाँ मैडम, अब बस आप देखती जाइए, यहीं पे महफिल सजेगी और आप नाचेंगी। मतलब आप डांस करेंगे ना सर के साथ, हम लोग देखेंगे। ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। मैडम ये सब क्या है? ये सब क्या है आपके इशारे पे? क्या क्या है? ये कुर्सी है, वो मेज है, मैं हूँ, ये जमीन है, वो छत है, ये मैडम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है आपके इशारे पे? मैडम आपने उस आदमी को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जिसकी वीडियो फुटेज आपके पास है आपके इशारे पे? अबे पुलिस हमें तू है और आप पुलिस, हम डिसाइड करेंगे किसे हम पकड़े, किसे छोड़े, किसे बिठाए, किसे खड़ा करें, किसे भगाए। Yes! भाई ऐसा है, वो वीडियो वाला आदमी और तुम दोनों में कॉमन लिंक के हाथ पैर डेंटिस्ट हा? तुम दोनों का डेंटिस्ट सेम है, तो क्यों ना डेंटिस्ट से कुछ पूछताछ कराई जाए, हो सके वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। हैं गोपी, तू जा सर के संग। ओके। ये लो, उखाड़ दिया। तुम्हारा दांत बहुत मजबूत था लेकिन उखाड़ दिया, जिंदगी क्रीम है। डॉक्टर इसका फेस पैक उतार दूं क्या? हाँ एक काम करो, फेस पैक उतार दो, इसकी आंखों में खीरा काट के लगाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, फेस पैक लगवाने के लिए आया था, दांत उखाड़ दिया मेरा, भूख हड़ताल करूंगा। अरे यार डॉक्टर कमाल है यार तुम। अरे दांत हमको खड़वाना था और तुमने हमको फेस पैक लगा दिया। ऐसे मेरा बड़ा दिमाग खराब है, जिंगू झोले में है। अरे अरे भाई साहब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ले चलिए। अरे दांत ले जाओ, दांत आप रखिए। डॉक्टर साहब हम जरा कंफ्यूज है कि ये क्लिनिक है डेंटिस्ट का के पार्लर है ब्यूटी का? दोनों है सर, दोनों। दरअसल बात ये है कि बचपन से ना मुझे ब्यूटिशियन बनने का शौक था, लेकिन मेरे घर में सारे के सारे डॉक्टर थे तो मुझे भी जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया। लेकिन देखिए नहीं छोड़ा मैंने अपना ड्रीम है, क्योंकि जिंदगी क्रीम है। हाँ इसलिए हमारे डॉक्टर साहब दोनों चीजें एक साथ चलाते हैं। बॉयफ्रेंड बरेली में है। पता है, आप बताइए आपको कौन सा दांत खुड़वाना है, बड़े आराम से निकालूंगा, या फिर फेशियल करवा लीजिए। हमारे यहाँ किस्म किस्म के फेशियल है, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, कोयला, ऑरेंज, नींबू, सब किस्म का। जिंदगी क्रीम है। Well, हमने नहीं उखड़वाना है कोई दांत इल्दा, हम तो करने आए हैं पूछताछ इल्दा। Yeah. तो ठीक है दादाजी, पूछिए। ये दो लोग को जरा गौर से देखिए और बताइए कि आप इन दोनों को पहचानते हैं?
अरे 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 ये दोनों तो मेरे ही पेशेंट हैं। ये जो है ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अमीर आदमी है, और ये एकदम मामूली सा गरीब आदमी है। ये जिंदगी गरीब है, बहुत गरीब। अच्छा बताइए, ये जो गरीब आदमी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अरे क्या बताओ, ये बेचारा ये बहुत ही शरीफ, नहायत ही शरीफ लड़का है। अरे आपको पता है, एक बार मेरा बटुआ गुम गया था जिसमें 10,000 रुपए थे, वो बटुआ इसको मिल गया, इसने ला के मेरे हाथ में पकड़ाया। वेल, इसका मतलब इसने नहीं की है चोरी, इस दा चोर कहीं वो तो नहीं है चोरी इस दा। थैंक यू वेरी मच, चल बे। वेल, जब हम यहाँ आई गए हैं फॉर केसेस दा, क्यों ना चमका ले अपना फेस इस दा। अबे बुढ़ाओ, तेरा दांत उखाड़ देगा ये, चल बे जल्दी चल बे चल। नहीं नहीं दादाजी, ट्राई कीजिए। आइए आइए, कमाल है यार तुम। अरे दांत हमको खुलवाना था और तुमने हमको फेस पैक लगा दिया। Excuse me, झींगुर झोले में है। तो तू क्या यहाँ झींगुर पकड़ने आया है? नहीं नहीं मैडम, हम FIR लिखाने आए हैं। ओ, क्या हो गया यार? पड़ोसन ने शेर दिया या अड़ोसन ने आंख मार दी? नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना कि कल रात हमारे घर में चोरी हो गई है, झींगुर झोले में है। एक्सक्यूज मी ब्रो, घर में तो दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे, पढ़ना लिखना नहीं है, इसने खंचे खेलना दिन भर बस बच्चों के साथ। चल, ऐसी औलाद पैदा की है मैंने, बिल्कुल दुश्मन को ना दे भगवान ऐसी औलाद, पढ़ना लिखना ध्यान नहीं है बिल्कुल, और बर्बाद करके रखा है, फीस भरता रहा मैं स्कूल की। एक्सक्यूज मी ब्रो, अगर मैं हूँ सही इसदा, जो डॉक्टर के यहाँ मुझसे भिड़ा था, तुम हो वही इसदा? एक मिनट, यो थारे से भिड़ा था? डेंटिस्ट का यहाँ मिला था। डेंटिस्ट के यहाँ यो भी जावे सेम डेंटिस्ट के, और चोरी इसके यहाँ भी हुई। डेंटिस्ट अबे कहाँ जा रहे हो भाई तुम? अब ये किस किस्म की टाइप, अबे क्या शुरू कर दिया है भाई तुम लोगों ने? हैं सर, वो सर इसने बिल्लू ने आपको गेंदा गदरीली के बारे में तो बताया होगा ना सर? हाँ, तो सर बस इसने ही मुझे कुछ दिनों पहले उसके बारे में बताया सर, मैं एक बार गया सर, एक बार गया सर, और मतलब अब तो मतलब क्या है सर, वो कमाल है सर, धमाल है, मतलब लाजवाब है सर, क्या है सर गेंदा गदरीली, वो सर धमाका है, धमाका सर वो क्या सर, मैं तो कहता हूँ उसकी महफिल में अगर जो नहीं गया ना, उसको पंखे से लटक जाना चाहिए सर। क्या गाती है, क्या नाचती है, क्या ठुमका है सर, क्या झुमका है, क्या चाल आया है। अरे बस करो भाई, बस करो, हम भी इंसान है यार, अगर इतना बोलोगे गेंदा गदरीली के बारे में तो हमारा भी दिल करेगा ना उसके साथ नाच गाने का। अरे तो उसमें क्या है सर, चलिए ना सर, आइए आइए चलिए। ना ना ना, हम ना जा सकते भाई, हम इस एरिया के सीनियर अफसर है, हमारा ऐसी महफिलों में जाना शोभा ना देता ना। महफिल यहाँ ले आते सर? मतलब सर, मतलब गेंदा गदरीली जो है उनको जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे सर के ये प्रॉब्लम है ऐसी ऐसी, तो आप आ जाइए, आप यहाँ आके नाच जाइए हमारे यहाँ पे, तो सर वो तो आ जाएंगे सर, कला है, कला का जो प्रदर्शन है सर, वो तो सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन बस प्रॉब्लम सर ये है कि ना वो थोड़ी शर्मीली मिजाज की है ना सर, तो वो कहीं बाहर जाती है जैसे नाच गाना करने, तो सर फिर वो घूंघट लेके नाचती है ना। ये तो और भी अच्छी बात है भाई, हमें भी शर्म ना आएगी। अरे फिर तो हो गया सर, बस हो गया बस, कला का प्रदर्शन कल ही करवा देते हैं सर, यहाँ पे यहीं पे करवा देते हैं सर, आप एकदम बस रेडी होकर आ जाइएगा और कल होगा गेंदा गदरीली का हंगामा।
गुलगुले जी संजीव कुमार की आवाज निकालिए ना। संजीव कुमार ये ले। अब सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। वेल वेरी गुड इज द मैं हूँ चौकी का डूड इज द अब सनी देओल सनी देओल सनी देओल देखने तारीख पे तारीख इंसान अपना सब कुछ बेच देता है और उसे मिलता क्या है सिर्फ तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। अब हैंड पंप उखाड़ो गुलगुले जी। वाह वाह गुलगुले जी आप छा गए। हाँ और हम आ गए। वैसे थोड़ी बहुत मामा करी मन ने भी आबे करनी सच प्लीज मैडम करके बताइए ना। वेल मॉम किसकी मिमिक्री करेंगी आप इस दा कटरीना करीना शाहरुख या अमिताभ इस दा? नहीं मैं दिलीप कुमार। नहीं नहीं इससे बेटर वाली मैं। हाँ दिखाइए दिखाइए। ऐसा दिलीप जी ने अपना अनुपम अंकल को मारा था रैपिड कर्मा में कि थप्पड़ की गूंज है ना। हाँ हाँ मैं करूँ धर्मेंद्र जी। नहीं नहीं इससे बैटर वाली करूंगी मैं। अरे दिखाइए। ऐसा घूसा धर्म जी ने गब्बर जी को मारा था सोले पिक्चर में है ना सही है ना। मैं करूं एक और मिमिक्री। नहीं 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 मैडम आप तो मिमिक्री क्वीन है कमाल है कितना अच्छा करती हैं आप कमाल है। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम बुआ उदास है। अबे बुआ उदास है तो फूफा के पास जाके कंप्लेंट कर ले यहाँ के फांकने आया तू पंजीरी। पंजीरी नहीं मैडम पुन्नी बुआ उदास है। पुन्नी कौन पुन्नी वो चुन्नी की बेटी पुन्नी मेरा मतलब है वो टुन्नी की सहेली पुन्नी। अरे पुन्नी का मतलब है पूनम। पूनम ढिल्लन। अरे ढिल्लन नहीं मिलन मिलन। मैडम मैं पूनम नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है बुआ उदास है। वेल ब्रो हुदा युदा आर इज द मोहब्बत का मारा है सारा संसार इज द मैं बर्फी हूँ। अच्छा तू बर्फी है कौन सी बर्फी खोए की बर्फी की काजू की बर्फी। ऐसी बेवकूफी की बातें करता है कोई यहाँ। बिल्कुल जी आपकी मिमिक्री है पता है। मैडम मेरा नाम बर्फी है बर्फी बावला आई लाइक जूही चावला लेकिन लेकिन मुझे मोहब्बत है पूनम से और पूनम को मोहब्बत है मुझसे लेकिन उसका डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तकिया और गिलाफ है बुआ उदास है। वाह बोलने वाला बर्फी। अरे नॉर्मल केस है यो थारे में ही होंगे कुछ कुलक्षण जिसकी वजह से जो है बाप अपनी बेटी नहीं देना मांग रहा। अरे मैडम जी मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ आटे की रोटियां खाता हूँ एकदम खानदानी लड़का हूँ लेकिन मेरे होने वाले ससुर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो पूनम की शादी मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे। बुआ उदास है, है? यो ऐसा कौन सा बाप है दुनिया में जो अपनी बेटी की शादी कभी होने ही नहीं देना मांग रहा। जी हाँ ऐसा एक बाप है। और वो बाप मेरा अच्छा खासा दोस्त है जो रनकगढ़ का जमींदार है। उसकी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है बहुत ही खूबसूरत है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी हो। वजह क्या है ये मैं खुद नहीं जानता। जी जो आपको कैसे पता चला कि बर्फी यहाँ के जमा हुआ है? मुझे पूनम ने खुद बताया है। ओके। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और मिस चौटाला ये मेरा ऑर्डर है कि आप इस केस में इन्वॉल्व हो जाइए और जितना जल्दी हो सके इस केस को निपटाइए। प्लीज मिस चौटाला प्लीज। ओके सर बालको बुलवाओ जरा जमींदार साहब ने। Yeah!
जमींदार साहब बैठिए बैठिए। Well, mom, she is जमींदार is the and she is मुनीम is the। अबे उसने बोल तो दिया कि जमींदार है, क्यों घुसा रहा है अपना बीच में जमींदार is the। ओए अलार्म बज उठा, नमस्ते है क्यों नीम जी? जी मालिक, घोड़ा घबराहट में है। हाँ तो जमींदार साहब, ऐसा है कि आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि आपकी छोरी है ना पूनम, भाई वो एक छोरे से प्रेम करे बर्फी नाम के, पर आप उसकी शादी ना करवाना मांग रहे उससे। मतलब बर्फी के आपको तो लड्डू रसगुल्ला जलेबी इमरती कोई लड़का ना चल रहा। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई, शादी नहीं कराना कोई गुनाह है। हाय हाय, नहीं ना है। हमारी बेटी है पूनम और हम उसके बाप हैं। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, किस तरीके से होगी, किस तारीख होगी, शादी करे कि ना करे, ये फैसला रानागढ़ के जमींदार खुर्राट सिंह का होगा। अलार्म बज उठा क्यूटी ना। मतलब मुनीम जी? जी बिल्कुल, घोड़ा घबराहट में है। और देखिए ऐसा है कि अरे भाई, पुलिस और कानून से ही पूछ के हम अपने बच्चों की शादी करेंगे क्या? आना जरा। हम ज्यादा यहाँ जो है साण पट्टी करी ना तेने, तो थारी जिंदगी का बही खाता खोल दूंगी मैं, समझा? समझा समझा। बहुत अच्छा। देखो भाई जमींदार साहब, बात ऐसी है ना कि तुम्हारी छोरी पूनम इब हो गई है बालिग, यानी 18 अबव, और उसको एक लौंडे से हो गया है प्यार जिसका नाम है बर्फी। तो भाई उसको शादी से मना करना या उसकी शादी ना करवाना कानूनन जुर्म है। Well, आप नहीं कर सकते उसके साथ जबरदस्ती इस दा, हसीनाओं को देख के छा जाती है मुझ पे मस्ती इस दा। अरे ये सब हम नहीं मानते, हम उसकी शादी नहीं करा सकते। अलार्म बज उठा। क्यों नहीं करा सकते? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, मतलब नहीं करा सकते। तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करा सकते। तू अपनी बालिक बेटी को कैद में कैसे रखेगा, मैं देखती हूँ, तो मैं पर्सनली करवाऊंगी उसकी शादी। मैडम ऐसा मत कीजिएगा वरना वह हैवान मेरी बेटी की जिंदगी को खा जाएगा, उसकी मांग को उजाड़ देगा। अलार्म बज उठा। ये आप किस हैवान की बात कर रहे हैं अंकल? हमारा खानदान श्रापित है। अगर हमारे खानदान में कभी किसी लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बर्बादी होगी। अलार्म बज उठा। मैडम जी मैं बताता हूँ, रनकगढ़ में इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी जमींदार साहब यहाँ रहते हैं। कारण क्या है कि हवेली के पीछे एक मंदिर है और 30 साल से उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। वहां एक हैवान रहता है, घोड़ा घबराहट में। देखिए भाई ऐसा है कि ये जो कहानियां है ना, ये इब ना चलती हैं, दे आर आउटडेटेड। तो ये जो हैवान वगैरह है इसमें मैं विश्वास ना करती हूँ, अपनी ये कहानियां अभी बकवास बंद करो। अब मैडम देखिए ऐसा है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रनगढ़ जाइए और खुद देखिए जाके कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा मत बोलो मुनीम जी, ऐसा मत कीजिए। रानागढ़ के उस मनहूस हवेली में कभी मत जाइए। अलार्म बज उठा। एक बात बताओ जमींदार साहब, तुम्हारी बेटी पूनम को रानागढ़ में किसी ने देखा है? नहीं,
मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही रानागढ़ के उस हवेली के साये से भी दूर रखा है। अलार्म बज उठा तो ठीक है, ये पूनम बनके मैं रानागढ़ जाऊंगी और देखूंगी कौन बैठा है वहाँ हैवान। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।